सप्तमवर्ष की कथा प्रारंभ करने से पूर्व सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर धन्यवाद प्रणाम करते हैं। द्वारिकाधीश को वंदन, बहुत भाव भगवान भोलेनाथ को वंदन कर उनकी आभा का स्मरण, श्रीमद्भागवत महापुराण और सुखदेव जी महाराज को वंदन, पांडाल में रोमचा सिंह विराजित साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने पर पधारे आप सभी श्रद्धालुओं को हमारा प्रणाम। गंगा किनारे महात्मा सुखदेव ने बटवृक्ष के नीचे बैठा लिया और राजा परीक्षित गंगा की रेती में बैठकर भगवान की पतित पावनी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। महात्मा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन, पर अगर परमात्मा की प्राप्ति सहज और सरल तरीके से करना हो तो राजन ईश्वर को अपना समर्पण वाला भाव सौंप दो। जो जीव ईश्वर को समर्पण वाला भाव सौंपता है, परमात्मा उस आत्मा से जरूर मिलता है। जीवन में अगर कुछ ना बन पड़े तो ईश्वर को समर्पण वाला भाव सौंपना। कौन सा भाव? समर्पण। आप सभी गीत भजन गाते होंगे, गुण गावो गुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुमको समर्पण। क्योंकि जरूरी नहीं कि सब वेद पढ़ के या पुराण पढ़ के पूजा पाठ करके भगवान तक पहुंच जाए, क्या संभव है? और हम हमारी कथाओं में ऐसी कोई भी बात नहीं करते जिससे कि कोई उलझ के जाए। और महापुरुषों से तो ये सुना कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया और ईश्वर को अगर आपने केवल समर्पण वाला भाव सौंप दिया है तो ईश्वर कहता फिर उससे बड़ी तो कोई दूसरी पूजा ही नहीं है। सौंप कापी कभी पेन का विरोध नहीं करती। देखी कापी कैसी लाते हो बाजार से, कोरी लाए पटक दी, पेन आया। अब पेन का काम है उस कापी के ऊपर लिखना और पेन ने कई कापी क्या लिखूं, उस समय वो कापी केवल एक ही बात कहती है, अच्छा लिखे तो ठीक तो मना नहीं करूं और बुरा लिखे तो मना नहीं करूं। कभी कापी ने मना करी, पेन को रोका, ए लिखे तो केवल रामायण लिख, लिखे तो भागवत लिख, लिखे
तो कुछ अच्छी बात लिख। कापी ने कभी पेन को मना ही नहीं किया। ठीक इसी तरह जो भगत होता है वो कभी ईश्वर से मना नहीं करता है। कापी बन जाओ, जो लिखे लिख दे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि नरक में भेजे, फिर उसकी मर्जी पे छोड़ो कि मैंने तो अपने आप को तेरे को समर्पित कर दिया है, अब तू जान और तेरा काम हुआ है। समर्पण रखो तो आपने एक प्रसंग पढ़ा सुना होगा, हमने सुना बचपन में एक महापुरुष के मुखारविंद से। माता जानकी जंगल में रहती, महात्मा वाल्मीकि के आश्रम में रह रही। एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा लव। छोटा सा बालक आश्रम में रहती, एक दिन पानी लेने जा रही थी। पात्र उठाया, बालक सो रहा, सामने महात्मा वाल्मीकि बैठ के ध्यान कर रहे। बाबा के पास गई, बाबा पानी लेने जाऊं, बालक का ख्याल रखोगे? बेटी तू जा पानी लेके आ, तू बालक की चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। जाऊं? मां जानकी ने पात्र उठाया, पानी लेने गई। पात्र को लेके थोड़ी दूर चली, पलट के देखा तो बाबा आंख बंद करके बैठे। माता के मन में आई, अब ये है बाबा, आंख बंद हो गई और कहीं ध्यान में डूब गए, और उसी समय कोई जंगल का जानवर आ जाए और मेरे बालक को उठा के ले जाए तो बाबा से कही क्या सकते, बाबा है क्या देगा, बेटी में ध्यान में बैठ गया।
ममता नहीं मानी, माता जानकी आई, महात्मा वाल्मीकि आंख बंद करके बैठे, चुपचाप बालक को उठाया और पानी लेने के लिए नदी किनारे पे गई। बाबा बैठे, कुछ देर बाद आंख खोल के देखा पालना खाली। बड़े दुखी हुए। बालक कहा गया, जानकी आएगी, पूछेगी, बाबा मेरा बालक कहाँ है? वो जानकी अपने कलेजे के टुकड़े को और मेरे को सौंप के गई और मैं उस बालक की रक्षा नहीं कर सका। उसी समय जिस आसन के ऊपर बैठे उस आसन में से कुश निकाला, पालने में पटका और वो कुश बालक बन गया। मां जानकी लौट के आई, माथे पे पानी का पात्र, बगल में बालक दबा, एक जानकी की गोद में और एक पालना आई। बाबा ये बालक कौन का है? तेरा है, पर मेरा तो मेरी गोदी में है। बेटी तूने बालक सौंप के मेरे को गई थी, इसलिए तेरे बालक की जवाबदारी मेरी थी। पर बाबा आप आंख बंद करके बैठ गए, मैंने सोचा बाबा बैरागी इनको कई ठिकानों। केवल समर्पण रखा, भाव क्या है? केवल कौन सा भाव है? समर्पण का भाव। एक बालक सौंपा, बाबा ने दो बालक करके दे दिए। कुछ मत करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई पूजा करना, ना कोई पाठ करना, ना कोई स्त्रोत करना, कुछ नहीं। वेदन को पार नहीं, पुराणन को अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद की है बंद बहु, राग तो रसीले रस कहां कहां पीजिए, सौ वातन की एक बात तुलसी बताए जात, जो चाहो कल्याण तू सब राम नाम लीजिए। काहे को लग रहा है? आचार्य चाणक्य का एक वाक्य हमने पढ़ा था, चाहे मनुष्य चारों वेदों को पढ़ ले, सारे शास्त्रों को पढ़ ले, पर अगर वो मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है तो वो मनुष्य उस चमचे के समान है जो भोजन के पात्र में तो पड़ा रहता है पर भोजन के स्वाद से वंचित रहता है। देखो अगर वो चमचा काय में पड़ो रहे, दाल में पड़ा, सब्जी में पड़ो, पर कोई ने कही कैसी बनी, कभी बतायो उन्हें? जो आत्मज्ञान को और आत्मसमर्पण के भाव को नहीं पहचान पाया वो चमचा है। केवल समर्पण पे आ जा सकता है, और अगर आपके अंदर समर्पण की भक्ति है ईश्वर, फिर आप कैसे भी हो। कहे रघुपति सुन भाम निवाता, माना हूं एक भगति कर नाता। भगवान के पास कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध मानता है? केवल एक भक्ति का संबंध मानता है, दूसरा कोई संबंध मानता ही नहीं। एक भगत हो गए काले खां, जात के मुस्लिम थे वो, और भजन करते थे। एक बार उनके गांव के यहां जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो उनसे भी कई बोले चलो तुम जगन्नाथपुरी, हम जा रहे हैं। उनकी चला मुस्लिम चल दिए, गांव के लोग जगन्नाथपुरी पहुंचे, काले खां साहब भी पहुंचे। अब जात का मुस्लिम व्यक्ति सुबह उठे, इबादत करी, टोपी लगाई और सब लोग दर्शन करने जाने लगे, जगन्नाथ के मंदिर में गए। वहां मंदिर पे कभी आप जगन्नाथ में जाना तो वहां एक बाहर नोटिस बोर्ड लगा है, कृपया हिंदू लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। काले खां साहब अंदर हो गए, जैसे ही पंडों ने देखा, अरे एक मुसलमान और मंदिर के अंदर, पंडों ने हाथ पकड़ा बाहर कर दिया। वो काले खां साहब ने कि भैया मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दे? उन्होंने कहा तुम मुस्लिम हो, अंदर नहीं जा सकते।
अरे उसने कहा भगवान का द्वार है और वो तो सभी के लिए खुला है, पर नहीं नहीं जा सकते। बाहर किया, काली खान साहब बाहर आए और मंदिर के दरवाजे पे खड़े होके इनने एक बात बोली मंदिर की तरफ मुंह करके, के नाथ यदि हिंदुओं के नाथ हो, यदि केवल हिंदुओं के नाथ हो तो मंदिर में विराजिए और जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुधि लीजिए। अगर तू केवल हिंदुओं का भगवान है तो मंदिर में बैठ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लौट जाऊंगा। पर अगर तू जगन्नाथ है तो मैं काली खां तेरे को आवाज देता हूं, तेरे को मंदिर से बाहर निकल के आके मेरे से मिलना पड़ेगा। के चले गए समुद्र किनारे जाके, काले खां साहब बैठे, आंखों से आंसू की धार बह रही। और कहते हैं उसी समुद्र के किनारे वो जगन्नाथ ने मंदिर छोड़ा और काले खां के पास आके बैठ के गले में हाथ डाल के कही, प्यारे तू मंदिर में नहीं आ सका तो क्या हुआ, मैं तो तेरे पास समुद्र किनारे आ गया। ये भक्ति है, ये समर्पण। हम भक्ति बहुत कर रहे, पूजा बहुत कर रहे, पाठ बहुत कर रहे, पर क्या नहीं है, केवल समर्पण नहीं है। और अगर समर्पण है फिर शायद कोई आपके पास वस्तु ना भी हो आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। ये ब्राह्मण लोग जानते हैं, जैसे पूजन की थाली में अगर मान लो कोई चीज की कमी हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए चावल चढ़ा दो। ब्राह्मण लोग जानते हैं उस बात को, हमको ज्यादा पूजा पाठ आती नहीं सा। तो ये ब्राह्मण लोग बताते, बड़े बड़े विद्वानों के मुखारबिंद से भी सुना, के मान लो पूजन की थाली में सुपारी नहीं है, काजू नहीं है, किशमिश नहीं है, पिस्ता नहीं है, आप केवल कमी पूरी करने के लिए चावल चढ़ा दो, जो वस्तु थाली में नहीं है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही मान लो आपको किसी प्रकार का ज्ञान ना हो पर ईश्वर को अगर आप समर्पण चढ़ा दो तो जैसे चावल पूजन की कमी को पूरी कर देता है, ऐसे समर्पण जो है वो भक्ति की कमी को भी पूरा कर देगा। केवल बैठ के, मैं हूं तेरे आधार दयालु मेरी ना पड़ी मझधार पड़ी, मैं हूँ तेरे आधार दयालु मेरी नाव पड़ी मझधार पड़ी।
आवाहन ना जानामी, ना जानामी विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामी क्षमताम परमेश्वरा। काशी बनारस से भी पंडित जी ले आओ सारी पूजा कराने के बाद, जो मंत्र तो बोले ही वे कितनी बढ़िया पूजा करवा दे, वेद मंत्र बोल दे, पर आखिरी में तो कहनो ही पड़ेगा आवाहन ना जानामी, ना जानामी। अपने को नहीं आ रही, अपन पहले ही कह दे, आखिरी में क्यों कह रहे, पहले ही बोल दो ना, कुछ नहीं आता मेरे दादा दयालु। समस्या ये है पहले कैसे बोले, पहले कैसे बोले, अहंकार जो है वो टकराता है। नहीं, आप सबने कथा सुनी होगी, जिस समय भगवान राम को परशुराम ने देखा, क्या परशुराम जैसा ब्रह्म ज्ञानी और राम को पहचान नहीं पाया? कथा सुनी होगी आप, परशुराम कौन, ब्राह्मण है, वेद पढ़ने वाला व्यक्ति है, और उसके बाद भी फरसा माथा घुमाए वो राम, राम जी के भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, मेरी बात मान दादा, ब्रह्म ज्ञानी मेरे को पहचान तो, मैं किसी राम को नहीं जानता, ना किसी दशरथ को जानता, राम जी ने की वो दशरथ को जान चाहे मत जान, मेरे को जान। हाँ? अभी दोनों भाइयों को समाप्त कर दूंगा, भगवान राम ने की, अब तो वो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, अब तो टेढ़ी करना ही पड़ेगा। जो निज स्वरूप दिखाया, उसी समय परशुराम की आंख तनी की तनी रह गई, पर राम जी से परशुराम कहने लगे, मेरे प्रभु मैं इतना बड़ा वेद पाठी होने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, आपका ये स्वरूप पहले क्यों नहीं जान सका? उस समय भगवान राम ने कही, आपकी आंख पर ज्ञान का अहंकार था, और जहां अहंकार रहता है मैं वहां से पैदा हो जाता हूं। इसको त्यागो और बाहर की पूजा बहुत कर ली, अब थोड़ी सी अंदर की पूजा कर। काई की? अंदर की। बाहर की तपन बहुत पूजा कर रहे हैं, और बाहर से तो हम बहुत डेकोरेट है। आजकल घर में देखना बड़ी सुख सुविधाएं हो गई है, लोगों के घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, नेकलेस सेट है, चाय के मग्घा को सेट है, पर माइंड अप सेट है, ये समस्या चल रही, हर प्रकार के सेट है पर माइंड कैसे अपसेट। पर साधु संत महात्मा के पास ना तो डिनर सेट, ना सोफा सेट, ना डाइनिंग सेट, पर माइंड सेट। और हमारा क्या सेट नहीं है? बड़े बड़े की छोड़ो, आजकल वितित बड़े कुरकुरे नहीं संभल रहे, वे कह रहे दिमाग खराब मत करो, है कुरकुरे वे नहीं मान रहे, माइंड सेट। और माइंड सेट करने का केवल एक उपाय है, आपसे निवेदन कर रहे, जिस समय आपका मन उद्विग्न होने लगे उसी समय भगवान के नाम का जप करिए, शांति मिलेगी।
भगवान राम ने रामचरितमानस आप पढ़ते होगे, उसमें कहा है जब देवर्षि नारद का वो विश्व मोहिनी से विवाह नहीं हुआ, भगवान को श्राप दे दिया, उस समय नारद जी ने भगवान से कही के प्रभु इस समय मेरा मन उद्विग्न है, क्या करूं। उस समय मानस इशारा करती है, जपा हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। किसका जप करिए, जपा हो जाए शंकर सत, तो खैर बड़े बड़े महापुरुषों के पास बैठो, वो उस चौपाई को खोलते हैं और उस शब्द का अर्थ बताते हैं। अब अपन ने ये चौपाई पढ़ी तो अपने को लगा भगवान कह रहे तुम शंकर के सो नाम जपो मन को शांति मिलेगी, नहीं, भगवान कह रहे नारद जिस सतनाम को भगवान शिव जप रहे हैं उसका, उस नाम का जप करिए, आपके मन को तुरंत विश्राम मिले। ये हम नहीं बोलते चौपाई में ही तो अर्थ, जप हूं जाए शंकर, भगवान से क्या जप रहे केवल राम, ये दो ही अक्षर अपने पास रखे शंकर जी ने, बस बाकी सब बांट दिया, देवताओं को बांट दिया, राक्षसों को बांट दिया, मनुष्यों को बांट दिया, आखिरी ये दो अक्षर बचे तो जी भी मांगने लगे भगवान शंकर के, ये तो रेंदु दादा है, बराबर आपके मन को शांति मिलेगी, जप हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। आप कहीं भी हो, भले चाहे नहाओ और चाहे मत नहाओ, मन जो उद्विग्न हो रहा है शांत हो, और बाहर की पूजा बहुत कर ली, अब थोड़ी अंदर की पूजा कर ली। मंदिर में बहुत चले गए महापुरुषों से सुना, मन के अंदर जाओ, मंदिर वाले को तो बहुत देखा पर मन के अंदर वाले को तो देखो, हमारे अंदर तो बैठा ही है। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर। अंतःकरण की पवित्रता, महापुरुषों से सुना है बाहर की पवित्रता से कहीं ज्यादा अंदर की अगर पवित्रता है तो भगवान का मिलना बिल्कुल संभव होगा, असंभव नहीं है। वो कर्माबाई की कथा आपने सुनी होगी, वो खिचड़ा बनाती थी और भगवान उसकी आ खिचड़ा खाने आते थे, सुनी होगी। अब वो नहाए नहीं, ना पूजा करे ना पाठ करे, सुबह उठी न चूल्हो जलायो तपेली रखी, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनी कि वो गोविंद दरवाजे पे आता और कहता मां भूख लगी है खिचड़ी। क्रम चल रहा, रोज भगवान आते। एक दिन वो कर्माबाई के यहां संत आए और संत के बड़े दर्शन किए कर्माबाई ने, और कर्माबाई ने कही संत भगवान मेरे यहां मैं रोज गोविंद को भोग लगाती हूं। संत ने पूछी कैसे ना लगाती, उधर गुरुजी सुबह उठे अब मैं पढ़ी ना लिखी, नहाती हो नहीं, दूसरे के घर जाओ धाड़ी करे, तू तो बड़ा पाप करती है, पूजन करती है, ओ गुरुजी आए नहीं तो करूं कहीं, अरे तू तो बहुत बड़ा पाप कर रही है, कल से स्नान कर, पूजन कर, आरती जला, घंटी बजा, भोग लगा, उसके बाद तेरा भोग लगना भगवान स्वीकार करेंगे। अब कर्माबाई ने सोची हो भैया ये तो कौन करे, समझ ही नहीं है। दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते से ही खिचड़ी नहीं बनाई, अब इधर कर्मा की खिचड़ी नहीं बनी पर उधर गोविंद को भूख लगी,
अब वो उसकी टापरी के चक्कर काटे अगल बगल, अब बने तो दे वो के खिचड़ी दे। देख भैया कन्हैया, कल एक गुरुजी आए थे, उनने कह के गए है पहले नहाना, फिर पूजन करना, आरती करना, घंटी बजाना, तब कहीं भगवान को भोग लगाना। देख भैया गोविंद, अब मैं 12 बजे नहाऊं के 2 बजे नहाऊं, उसके बाद तेरे को खाने को दूंगी। भगवान ने कि पहले तू वो संत का पता दे मेरे को, तेरे से बाद में निपटूंगा, पहले उससे निपटूंगा। पता दिया, गोविंद संत के पास गए, बाबा अपनी अगर भलाई चाहो कर्मा से जाके अभी कह दो कि तू तो बिना नहाए धोए बना और गोविंद को खिला, गोविंद खाएगा। कुटिया सबने सवारी बुहारी नहीं, हम सबने ये कुटिया बाहर से संभाल ली पर अंदर तो अपने इतनी मेल जमेल है, कभी महीना 4 महीना में देखा तो करो कितना जमा है, है? बाकी व्यवस्था सब है, आप देखना घर में सोफा सेट लगे, गोदरेज लगी, टीवी लगी है, पर वह टीवी को साल खान में हटा के देखो कितनी धूल निकले नीचे। भगवान कह रहे हैं बाबा उससे जाके कहो वो जिस भाव से भी बनाती, पर गोविंद वो नहाती नहीं है, पूजा नहीं करती है, पाठ नहीं करती है। उस समय भगवान ने कहा संत से, बाबा तुम नहाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, सब करते हो, पर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है और कर्मा के पास केवल एक विशुद्ध प्रेम है। इसलिए फिर संतों को लिखना पड़ा के राम मिलते हैं मन को लगाने से, 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 राम मिलते I'm not afraid of the dark.
बात बुरी सुधार लो बस हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। उस तत्व तक तो पहुंचने का प्रयास करो। और निवेदन आपसे ये करते हैं, देवता को पूजने वाला देवलोक तक जाएगा, भूतों को पूजने वाला भूत लोक तक जाएगा, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये हम आपको बता देते खुली बात, हम हरिद्वार एक आश्रम में गए थे, उस आश्रम का एक वाक्य हमने पढ़ा, वो वाक्य आज भी स्मृति में बना है। पहले भी इस वाक्य को आपके सामने रखा, पुराने श्रोता भाई बहन बैठे आज फिर वो वाक्य दोहराएंगे। उस आश्रम में लिखा, जो मनुष्य स्वर्ग की कामना करके ईश्वर की भक्ति आराधना करता है, वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। क्या लिखा? क्योंकि स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण सुख है नाही, सुख साहिब के भजन में और संतों के माने। कबीर साहब का एक पद है, का करूं बैकुंठ जाए अब, का करूं बैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं शोदा, जहां नहीं नंद जहां नहीं शोदा, जहाँ न गोकुल गाया, राम बुलावा देख कर दियो कबीरा रोए, का करूं बाबे कुंठ में जहाँ साधु संग न होए। मज्जा स्वर्ग, स्वर्ग में भी जाने के बाद वापस आना पड़ेगा। काहे को स्वर्ग के पीछे भाग रहे हो? वो एक स्थान बनाया परमात्मा ने जिसका नाम दिया सचखंड। वहां पहुंचने के बाद इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वो एक रास्ता है जिसका नाम दिया दसवां द्वार। खैर वो बहुत ऊंची विषय वाला वस्तु है, हमारे बस का नहीं है, पर पढ़ा सुना वो आपके सामने रखे। वो दसवां द्वार कोई सदगुरु खोल दे और उस रास्ते से अगर ये आत्मा अंत समय में निकल जाए तो ये आत्मा सीधे वो सचखंड में जाके विराज जाती है। नौ द्वार से निकलना मतलब मामला गड़बड़ है, केवल स्वर्ग तक जाओ। इसलिए हम लोगों को एक ही बात कहते, काहे को स्वर्ग के पीछे पड़ो, जिसकी देखो उसकी फोटो के आगे स्वर्ग ही है। स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है, पर अपने को बताया ही नहीं गया, समस्या जी हो गई, बताया ही नहीं गया। इसलिए आपसे निवेदन करते, अपने मन को बराबर उस तत्व में लगाने का प्रयास करो, फिर चाहे आप पूजा करो चाहे पूजा ना करो। हम लोगों से एक निवेदन करते हैं, जब तक बने तब तक भगवान के चरण में रहना, और अगर चरण में रहते कि नहीं बने तो भगवान के स्मरण में रहना। काय में रहना? स्मरण में रहना। और अगर स्मरण अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो मरण तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। केवल स्मरण में। एक प्रसंग पढ़ा था हमने, एक संत और एक वेश्या दोनों आमने सामने रहते थे। एक दिन एक आश्चर्य हुआ, उसी दिन वो
संत थे, मंदिर में पूजा करते थे, वो पुजारी थे, पंडित थे, वो और वो वैश्या दोनों एक साथ मर गए। अब दोनों एक साथ मरे, उस पंडित को लेने यमदूत आए और वैश्या को लेने भगवान का विमान आया। वो पंडित जी ने कही भाई यमदूतों से, भैया गलती तो नहीं हो गई, पर्ची इधर की उधर हो गई हो? यमदूतों ने कहा हमसे गलती होती ही नहीं है, पर ये आश्चर्य है, मैंने पूरी जीवन भर मंदिर में पूजन करी, आरती घुमाई, भोग लगाया, घंटी बजाई, मेरे को यमदूत लेके जा रहे, जरा धरती पे तो पलट के देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। यमदूतों ने देखा धरती के ऊपर वो जो पुजारी मरा साहब, उसके ऊपर माला चढ़ रही है, अर्थी के ऊपर लोग कांधा देने के लिए मरे जा रहे, और वो वैश्या को लाश को लोग लात मार रहे और कह रहे अच्छी मारी। वो पंडित जी की देखो जरा तुम नीचे धरती पे तो देखो, मेरी धरती पे इतनी इज्जत और यहां आने के बाद यमदूत, यमराज से पूछूंगा। गए यमराज के सामने खड़ा किया, यमराज ने देखा ब्राह्मण देवता आ गए, बोले हाओ, पर पहले एक बात का जवाब दो। बोले क्या? बोले मैंने पूरी जिंदगी भगवान का पूजन किया, मेरे को यमदूत पकड़ के लाए हैं, और उस वैश्या ने पूरी जीवन भर गलत काम किए, भगवान ने उसके लिए विमान भेजा है, कारण क्या है? यमराज ने कही पंडित जी मानता हूं आपने पूरे जीवन भर पूजन किया, पर आपका पूजन केवल तन तक सीमित रहा। कहां तक पूजन किया? केवल तन से आपने पूजन किया, और वैश्या का तन संसार में रहा पर मन गोविंद में लगा रहा, तो वो सीधे भगवान के यहां गई। आई समझ में? मन कहां लगा रहा? वैश्या का, भगवान में। भले चाहे दुनिया के लिए नाचती, पर वो रोते रोते एक ही प्रार्थना मन से करती कि प्रभु इस जन्म में नचा लिया नचा ले, पर कहीं अगले में मत नचाना। मन ईश्वर में लगा रहा, सीधे वैकुंठ में गई। और पंडित जी आपका केवल तन भगवान में रहा और मन संसार के विषयों में लगा रहा, इसलिए हम तन की पूजा नहीं मानते हैं, हम मन की पूजा मानते हैं। ये सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए मन पे आ जाओ, हम मन से अपने निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हो सके जितना मन से भी ईश्वर को अगर आप ध्यान करते हो, बराबर पूजा चल रही है आपकी, तो जरूरी नहीं कि आप माला लेके बैठो, जरूरी नहीं कि आप आरती लेके बैठो, जरूरी नहीं कि आप रामायण लेके बैठो, मन से चलना चाहिए। अगर वो समर्पण का भाव है तो भगवान एक न एक दिन कृपा जरूर करते हैं। भागवत में कथा आती है भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी के यहाँ पर समय आने पर एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम रखा प्रद्युम्न। वो बालक एक दिन का भी नहीं हुआ था, उस बालक को समरासुर नाम का राक्षस आया, उठा के ले गया और समुद्र में ले जाके फेंक दिया। माँ रुक्मणी को दुख हुआ, पर माँ रुक्मणी ने कुछ नहीं किया, माँ रुक्मणी रोते रोते गई और भगवान द्वारकानाथ राज सिंहासन पर बैठे थे, उसी समय भगवान के सामने बैठ के और माँ रुक्मणी ने केवल एक भाव रखा, मेरे गोविंद। मैं नहीं जानती कि बालक जिंदा भी है या समाप्त तो हो गया, मैं कुछ भी नहीं जानती, पर मैं अपने आप को और अपने बालक को आपको सौंपती हूं, अब आपको जो करना है आप कर लीजिए।
भगवान ने कही देवी सौंप दिया है तो अब मेरी जवाबदारी, अब मैं उस बालक की रक्षा करूं। कथा आती है उस बालक को जिस समरासुर ने समुद्र में फेंका था, उस बालक को एक मछली ने निगला, मछली पकड़ने वाले ने उसी मछली को पकड़ा, पकड़ के ले गया, समरासुर को भेंट में दिया। समरासुर ने भोजन बनाने वाली स्त्री को बुलाया, उस मछली को दिया, तू ले जा इस मछली का भोजन बना। उस स्त्री ने अंदर ले गई वो मछली, उस मछली को चीरा, अंदर से बालक निकला। तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए और देवर्षि नारद ने कहा देवी ये आपके पति हैं। उस स्त्री ने कहा कैसे? फिर देवर्षि नारद ने इतिहास सुनाया, आप रति हो और ये आपके पति कामदेव हैं। भगवान शिव की कौप दृष्टि से जल के राख का ढेर हो गए थे और आपने भगवान शिव का करुण क्रंदन करके भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा द्वापर युग में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अब इस बालक को महामाया नाम की विद्या से बड़ा कराओ, समरासुर को समाप्त करो, मैं ये समाचार द्वारका नाथ को देता हूं। उस स्त्री ने उस बालक को उस विद्या से बड़ा किया, वो बालक बड़ा हुआ, समरासुर को समाप्त करके प्रद्युम्न जी सापत्नी द्वारकापुरी में पहुंचे, आकाश से फूलों की वर्षा जैसे काल की ध्वनि हुई, द्वारकाधीश भगवान। मां रुक्मणी ने जैसे ही प्रद्युम्न जी को देखा प्रसन्न हो गई और भगवान से कहने लगी कि गोविंद मैंने अपना समर्पण वाला भाव आपके श्री चरणों में निवेदन किया, उस समर्पण वाले भाव का परिणाम है कि आज मेरा बेटा गया एक था पर आए दो पति और पत्नी। ईश्वर से हमेशा ऐसे निवेदन किया करो जैसे कभी आपने छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी हो। कभी लिखी आपने बचपन में स्कूल में पढ़ते होंगे है छुट्टी की एप्लीकेशन? महोदय विनम्र निवेदन है मेरे घर में अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण आज मैं साला आने में असमर्थ हूं, अतः महोदय से निवेदन है एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य भले चाहे एक आज्ञा नहीं माने पर उसको चाहिए छुट्टी। तो लिखा कितना बढ़िया है, आप सब इतने भाई बहन बैठे आपने इतना बढ़िया लिखा, मास्टर छुट्टी देता है कि नहीं देता है? आखिरी में मास्टर को कहना पड़ा एक दिन का अवकाश मंजूर किया जाता है। केवल क्या देखा उसने, लिखा कितना बढ़िया। जब एक लिखे को देख के मास्टर छुट्टी दे सकता है तो क्या परमात्मा मुक्ति नहीं देगा? पर लिखना ही नहीं आ रहा, वहां निवेदन कैसे करना है? निवेदन करना सीखो, रुक्मणी से सीखो। क्या पाती लिखी थी कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे हारी।
हमें मांगने का तरीका नहीं आता, वरना मेरे गोविंद के दर से कोई खाली नहीं जाता। लिखना नहीं आता है बस। बातन से देवी और देवता प्रसन्न होत है, बातन से भूत प्रेत डाक नींद रात है, बातन से पान खात, बातन से लात खात, बातन की करामात चतुर लोग जान जात। बोलने का कमाल है साहब। कई माताएं मेरे इस पांडाल में ऐसी बैठी है कि 500 की चीज और 200 में ला के बता दे। कहीं ने ले आई 500 की साड़ी 200 में, दुकानदार को माथो चला दो, आखिरी में उसको कहना ही पड़ा, ओ भाई ले जा तेरे हाथ जोड़ू हम बताइए। 500 में दे दो, एक रुपया कम नहीं कर। पर देखो आम जरा फिर उनकी आखिरी में फिर स्थिति, ओ भाई यार दे दे रे। नहीं भाई कितने में खरीदी? नहीं देख 200 है भैया, अब एक में नहीं कम आएगो तो कई हो जाएगो भाई। तू जय मान ले कि मेरी बहन ने ले गई, अब वह बहन भी बन गई। अब वो दुकानदार के नींद ऊपर माथा इतना चढ़ाई दिया कि आखिरी में कभी विचार करो आप। बोलने के कारण एक दुकानदार पिघल जाता है तो क्या हमारी वाणी को सुन के वो द्वारका नाथ नहीं पिघलेगा? चढ़ा दो उसका भी माथा रो जाके, कि जैसे साड़ी वाले का माथा चढ़ा दिया, साड़ी वाला गुस्से में और साड़ी दे देता है, ऐसे ही अगर किसी दिन द्वारका नाथ का माथा चढ़ गया तो वो भी गुस्से में मुक्ति दे ही देगा। अपन भाई जा रहे कह रहे ढीले, बोलने में भी ढीले ढस गए, बोले ही नहीं है तो। कभी कभी जो भजन अजन भी होता है तो कई तो बोल ले और कई तो बिल्कुल ऐसे हाथ पटके हुए बिल्कुल धीरे 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 धीरे। अच्छा कुछ बोलते बड़े प्रेम से, और जैसे कोई नृत्य करने लग जाए तो सब रंग की आए वो तो कथा इसको नाचने लग जाए तो कुछ लोग उनको देख के ओ हो दुनिया है बहुत खराब है सब। बेमाने थोड़ी सा उन्हें कहीं बिठार दे वो आप ले जाते, वे बिना मतलब उनके व्यंग करे भी मान ही नहीं सकते, तो कहीं चले जाए क्योंकि उनकी आदत से भी लाचार है। कभी आप देखना कोई को चूल्हे के पास बिठा ला जी ठंड के दिन में आगे तापने, वो सीधो बैठ जाए, वो लकड़ी के खिरचा ही खाते रहे, वो देखना ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर ऊपर वो खिरचा ही खाए, अच्छी जल रही है पर वो देखना उसकी आदत से लाते खिरचा खाए। अब वहां आगे तक तो सीमित, कई कथा में खिरचा खाए साहब, जिसको नचन लग जाए ना ओ हो बेकुंठ जाएगा। दुनिया इसलिए हमने आपसे एक दिन कही थी बिल्कुल यूं हो जाओ, कान में डालो उंगली और चलो। एक प्रसंग पड़ा था हमने कही, एक बहुत बड़ा तालाब था उसमें बहुत से मेंढक रहते थे, तो वो मेंढक जब वो तालाब से जैसे गर्दन बाहर निकालते सामने एक पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर हीरा चमकता था। वो मेंढकों ने सोची कि वो हीरे को देख के आए, पर जैसे ही वे तालाब के बाहर मुंडी निकाले कि भी जो तालाब के किनारे खड़े रहे, ए मुंडी बाहर मत निकालो, तालाब के बाहर मत निकलना नहीं तो सांप खा जाएगा, वे बेचारे फिर मुंडी पानी में दबा ले। मेंढक आपस में बात करे उनकी एक बार चल के तो देखे, पर वे जैसे ही मुंडी निकाले के ए मिल जाएगा खा जाएगा वो पोचन ही नहीं दे, एक मेंढक नहीं निकला, पर उस भरे तालाब में से एक मेंढक ने छलांग लगाई, तालाब के बाहर आया
और आखिरी में जहां हीरा चमक रहा था उस मंदिर पे जाके उस हीरे के पास जाके बैठ गया। हीरे को देखा, लौट के फिर तालाब में आया। बाकी के जो मेंढक थे उनने पूछी, हीरा देखा या तुमको कोई ने रोका नहीं? उस मेंढक ने कही, रोका तो खूब पर हम रुके नहीं। क्यों? बोले, रोकने वाले रोक रहे थे पर हम हैं बेड़े। हम कैसे हैं बेड़े? इसलिए वे चिल्ला रहे थे पर हमको सुनाई नहीं देता, और जब हमको सुनाई नहीं देता तो परिणाम तुम देख रहे हो। मैं उस हीरे के पास पहुंच के आ गया। और यही अध्यात्म कहता है, अगर ईश्वर को पाना है तो केवल उंगली डाल के चलो साहब। हरिनु मारग है सुराणु नैकायरनु काम छे। गोपियों ने यही किया था, कान में उंगली दे दी थी। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक बताए, कोई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया की एक वृत्ति है, वृत्ति में रहती है, इसलिए बस कान में उंगली डालो और चलो।
क्योंकि व्यासपीठ जो है वो भी निंदा से और अवेलना से हम भी नहीं बचे साहब। खूब निंदा होती, खूब अवेलना होती, लोग मजाक उड़ाते, कोई कुछ भी कहे, पर ज्ञान हस्ती पर बैठकर सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोंकन दे झकमार। हाथी निकलता है, आगे हाथ जोड़ने वाले खड़े हैं, हाथ जोड़ के कह रहे गणपति महाराज की जय, और पीछे कुत्ता भूक रहे हैं, भी उनका काम कर रहे हैं। अच्छा वे कुत्तों से पूछी तुमको तकलीफ क्या है जो तुम भूक रहे हो? हाथी से तकलीफ है? कुत्तों की हमको हाथी से कोई लेना देना नहीं। तो फिर काहे को जबरदस्ती भों 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 लगे, क्यों भूक रहे? कुत्तों ने कही हम हाथी को देख के नहीं भूक रहे, तो हमको सबसे ज्यादा तकलीफ उनसे है जो हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, बेसहन नहीं हो रहे हम। हम हाथी के बारे में हमको मालूम ही है कि अगर इसके बगल लग गए और मान लो गलती से पूंछ का भी झरपेटा मार दिया, दूर गिरेंगे जाकर, तो वे दूर से ही भाव भाव लगे। अच्छा उनको जो सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे। कई लोगों की आदत है सर, मान लो पड़ोसी अगर गाड़ी ले आए नहीं तो इनको आधा किलो खून सूख जाए, इन्हें क्यों ले आए? आधे से ज्यादा मनुष्य कोई बाहर के दुख से परेशान नहीं है, खुद के दुख से परेशान है। हमारा दूषित मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लोगों का काम है साहब केवल निंदा करना, बुराई करना, करो वो भी एक अलग आनंद है। उसके भी अलग अलग विषय वाले लोग हैं साहब, जैसे गणित वाले स्पेशलिस्ट अलग है, स्कूल में पढ़ते होंगे वे पीरियड रहे सबके अलग अलग, अंग्रेजी वाले का मास्टर का पीरियड अलग, हिंदी वाले को अलग, ये सही जी बुराई निंदा वाले के भी पीरियड है। अब ये कथा आप करा रही है, मालवी परिवार जरूरी थोड़ी है कि सब विषय में इनको पास कर देंगे, एक दो विषय में सप्लीमेंट्री के लिए तैयार रहे ना, बता रहे एक दो विषय में सप्लीमेंट्री आपको हमें तो बिल्कुल मिलना ही है। हमने सोच के ही चलते घर से, जब बैग लेके चलते तो अपन तो यही मान के चलते अपन फेल, पर हम यजमान से कह रहे हैं एक आध विषय में आपको सप्लीमेंट्री जितने आए ना, जरूरी नहीं कि सब आपसे कहेंगे वेरी गुड, हमको कृष्ण को दे दी है। तो सप्लीमेंट्री देने वाले भाई थे मंथरा भाई, के कई भाई क्या दे दी? सप्लीमेंट्री दे दी, तो राम ने सप्लीमेंट्री को स्वीकार किया है। व्यासपीठ आपसे निवेदन करता है सप्लीमेंट्री को स्वीकार कर लेना, आगे पास हो जाओगे। जो भजन करता है, जो सुमरण करता है, उसकी बुराई निंदा तो बिल्कुल तय है, और हम आपसे निवेदन करते हैं बुराई हो रही निंदा हो रही इससे घबराना नहीं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपकी आत्मोन्नति अंदर से बढ़ रही है। इतिहास उठा के देख लो आप, 252 महात्मा हुए इस धरती के ऊपर, उनकी कभी किसी ने जय जयकार नहीं करी साहब, मरते मर गए। आपसे एक दिन कही थी ना, सम्मान चाहिए तो फिर मरना पड़ेगा। कबीरदास जिंदा रहे कोई ने जय जयकार करी? तुलसीदास जिंदा रहे कोई ने जय जयकार करी? नहीं। उनकी कथा प्रसंग को हम सुनते हैं, और हमारे जीवन में अगर ये घटना घटती है तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि भागवत में कथा आती भगवान द्वारकानाथ के ऊपर मणि चोरी का कलंक लगाया, कथा आपने सुनी होगी, इसकी 48 कोस की सोने की द्वारका साहब, और वो रुक्मणी से कह देवी एक पोपड़ो निकाल लूं जब मेरी नगरी का तो निहाल हो जाऊं, जिनके लिए 48 कोस की सोने की द्वारका का निर्माण किया, जिन मथुरा वासियों के लिए, वे मेरे से कह रहे ये चोर है। सत्रजीत ने कलंक लगा दिया,
भगवान घबराए नहीं, ये कथा प्रेरणा दे रही। भगवान बिल्कुल नहीं घबराए, सत्राजीत को बुलाया और पूछा, क्या तूने मेरे को मणि चुराते देखा? उसने कहीं देखा नहीं, पर तुम्हारी नजर थी। वादी दुनिया। भगवान ने कहा, चल मणि कहाँ थी? बोले मेरा भाई प्रसेन पहन के गया था जंगल में शिकार करने, तुमने उसे समाप्त कर दिया, मणि को छीन लिया। भगवान ने द्वारकावासियों को साथ लिया, चलो 10-15-20 लोग साथ हो गए, जंगल में गए। जंगल में जाके देखा सत्राजीत का भाई प्रसेन मरा पड़ा, आगे घोड़ा मरा पड़ा, आगे शेर मरा पड़ा। भगवान ने कही प्रसेन को उसके घोड़े को शेर ने मारा, अब शेर को किसने मारा? पंजों के निशान के सहारे सहारे गुफा में गए, गुफा के दरवाजे पे पहुंचे, प्रकाश हो रहा था। देखो भैया मणि इस गुफा के अंदर है, मैं जाऊं लेके आऊं, तुम यही मेरा इंतजार करना। सब ने कहा आप जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। भगवान अंदर गए, एक लड़की उस मणि से खेल रही थी, जैसे ही भगवान को देखा वो चीखने लगी, जामवान नाम का रीछ आया, भगवान से लड़ने लगा। एक दिन युद्ध चला, 2 दिन 10 दिन, अब जी जो दरवाजे पर खड़े थे बाहर, भगवान ने कह गए थे नहीं तुम मेरा इंतजार करना, जे वहां से वापस आ गए द्वारकापुरी में, और एक इनने नई खबर फैला दी, मणि लेके उधर से ही रफू चक्कर हो गया। बचपन में माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया तो बड़ा हाथ मारा। 10 दिन युद्ध, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन युद्ध चला, 28वें दिन फिर वो जामवान ने पूछी, भैया आपका परिचय? भगवान ने कही मैं द्वारकानाथ। नहीं, क्या आप त्रेता के राम हो? भगवान ने कही हाँ मैं त्रेता का राम हूं, प्रभु मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, फिर क्षमा चाहता हूं। क्यों आए? भैया जी मणि दे दो। मणि दी और अपनी बेटी जामवती से विवाह करके जामवान ऋषि ने अपनी बेटी को विदा किया। इधर भगवान आए, सत्राजीत को बुला के वो मणि दी और सत्राजीत से कहा भैया तूने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया, तेरी मणि ले जा। सत्राजीत के मन में आया मैंने इतने बड़े द्वारकानाथ के ऊपर मणि का कलंक लगाया, मुझे द्वारकानाथ से क्षमा मांगनी चाहिए, रिश्तेदारी बना ली, सत्यभामा से विवाह किया, मणि दहेज में देने लगा। भगवान ने कही मणि दहेज में नहीं। आगे फिर कथा आती है, भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 बालाओं को जेल में कैद करके रखा, भगवान सत्यभामा जी को साथ लेके गए और उस दुष्ट को समाप्त करके 16,100 बालाओं के बंधन खोले। कथा आपने सुनी होगी, भगवान ने 16,108 विवाह किए, पर व्यासपीठ आपसे निवेदन करता है ये ऐसे विवाह नहीं है जो सांसारिक विवाह मानते हैं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो अपने समझ में नहीं आती, एक इंसान की भाषा को नहीं समझ पाता एक इंसान, तो फिर इन ग्रंथों की भाषा को कैसे समझेंगे? कि कई जगह भगवान का बड़ा मजाक उड़ता है, कहीं झांकी बन रही, कहीं जी क्या बोले, समापन भी करना है। और आपसे निवेदन है कि बड़ी अलौकिक कथाएं हैं और इनको समझना बहुत कठिन है। या रस नानू स्वाद तू जाने रे सुख जोगी रे, या जाने वो ब्रज की बाला तू क्या जाने नरसैया भोगी रे। एक इंसान की भाषा नहीं समझ पाते, पर साधारण इंसान की भाषा नहीं समझ पाते। एक प्रसंग आपको सुनाएं, एक बहन जी की नौकरी लग गई बंबई में। अब वो बहन जी की नौकरी लगी कहां? बॉम्बे। अब उनके मान लो पति देवता रहते हो यहां पे परिया में, तो वो बहन जी बंबई पहुंची, उन्हें अपनी नौकरी ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद अपने पति को मैसेज किया मोबाइल से, मैं यहां ठीक ठाक ढंग से पहुंच गई हूं और कुछ दिन बाद मैं आपको भी बुला लाऊंगी। कौन को मैसेज किया ये? उनके पति जो रहते थे पिपरिया में उनको। अब वो गलती से मैसेज पति को तो नहीं गया, ये कैसे आदमी के पास पहुंच गया जिसकी पत्नी उसी दिन मरी थी?
अब वो मशान घाट में तैयारी कर रहे थे अंतिम संस्कार की। अब उतनी देर में मैसेज बजा, उसने वो मोबाइल से मैसेज खोला तो उस पे लिखा, मैं यहाँ ठीक ठाक ढंग से, मतलब मैं पहुंच गई ऊपर और दो चार दिन में तुमको भी बुला लाऊंगी। अब वो जो चिता जलाने आया था, उसने जैसे ही मोबाइल में मैसेज पढ़ा, उसने कही भैया मत जलाओ, दो तीन चार दिन बाद इकट्ठे ही जलाइयो। क्या मैसेज रोन लग गया? लोगों ने कहा मैसेज कहां से आया? बोले मेरी पत्नी मर गई, वो ऊपर से मैसेज कर रही। अरे लोगों ने, ऊपर कोई मोबाइल है क्या? पागल हो गया तो बाल डाल, समझ नहीं दे। उस नंबर पे फोन किया, उसने फोन उठाया, बोले आप कहां से? बोले मैं बॉम्बे से, आपके नाम से ये मैसेज आया। फिर उधर से वो कहने लगी, भैया मैं अपने पति को भेज रही थी पर गलती से ये इनके पास पहुंच गया। अरे बोले बहन जी आपकी गलती, घंटा दो घंटा में ये निपट ही ले रहे थे। एक साधारण सी भाषा को, इंसान की भाषा को इंसान नहीं समझ पाता है तो फिर वो तो कोई सतगुरु के पास बैठो और वो फिर समझा दे साहब। पर होना सतगुरु ये आपको बता देते हैं, सतगुरु की कोई जात नहीं, सतगुरु का कोई वेश नहीं। गुरु अगर मिल जाए, वैसे तो साहब किसी महापुरुष से हमने सुना, करोड़ों जन्म के जीव के कोई पुण्य हो, कोई सत्कर्म हो, तब जाके उस जीव को किसी सतगुरु की प्राप्ति होती है। क्यों मालूम? आदरणीय सुधीर जी मालवी बैठे थे, ये वो उस रस में डूबे हुए हैं, क्योंकि लिखा है कि सर्दी ने एक बूंद मिले जो, सर्दी ने एक बूंद मिले जो तो भी जानूं पिला दे रे साथी रावण। रंग की कोई शर्त नहीं है, कोई रंग पिला, बार बार गर नहीं पिलाना, एक बार पिला बसा रहे तेरा में खाना, उजड़ जाए चाहे बसती पिला रे सारा राम नाम की मस्ती पिला दे रे सारा राम नाम। मिल जाए कोई वैसा वो पिला दे, कि सबके बस में नहीं आएगा। तो निवेदन, ये 16108 शारीरिक विवाह नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसके बाद महात्मा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, रासु यज्ञ। उस रासु यज्ञ में भगवान द्वारकानाथ ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा के उस रासु यज्ञ को संपन्न कराने लगे। शिशुपाल ने अपमान किया, 100 गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का मस्तक काटा, आकाश से फूलों की वर्षा देने का। भगवान सहन करता है, और जिन्होंने सहन नहीं करी उनकी कथा आती है सुदामा जी की, कथा आपने सुनी होगी। भगवान को चने नहीं दिए, स्थिति बनी के भोजन घर में नहीं, वो तो पत्नी सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल लाई और पोटली बांध के सुदामा जी को दी के जाओ, द्वारकानाथ के यहाँ चले जाओ। तो 3 मुट्ठी चावल सुशीला ने नई बांध के बेचे हैं, महापुरुषों से सुना है, उस
तीन मुट्ठी चावल के रूप में सुशीला ने अपनी भक्ति, अपना पुण्य और अपना भजन बांध के द्वारका नाथ के लिए भेजा है। कोई तीन मुट्ठी चावल का भूखा क्या? और आपसे भी निवेदन है कि बराबर वो तीन मुट्ठी चावल अब क्या है, हमारी भक्ति, हमारा पुण्य और हमारा भजन, ये ईश्वर को चढ़ाओ, जाया करो। जहां जहां भी कथाए हो आप बराबर जाया करो। आज हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती राजू मालवी जी की कथा पांडाल में बैठी है और आदरणीय श्री गिरधारी लाल जी तिवारी। एक दिन हमने बोला था तिवारी परिवार से पुराना एक रिश्ता है। माता जी बैठी हैं और वो नैमिषारण्य कथा के लिए भी 5100 रुपये की राशि ललित मोहन जी तिवारी, तिवारी टेंट हाउस पिपरिया वालों ने उस कथा में सहयोग दिया। कर्तव्य ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। उन्हें आपको नैमिषारण्य का निमंत्रण देंगे और ये अपने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जीवन में आप बनाए रखना। भक्ति, पुण्य और भजन की वो पोटली लेके सुदामा जी पहुंचे। कथा आप जानते हो, भगवान ने एक मुट्ठी चावल, दो मुट्ठी चावल खा के सुदामा को दो लोक का राज प्रदान किया। प्रत्यक्ष में सुदामा को कुछ नहीं दिया, अप्रत्यक्ष में सुदामा के लिए और सुदामापुरी का निर्माण करा के सुदामा को द्वारकापुरी से विदा किया। जैसे ही सुदामा जी अपने गांव में आए, क्या देखते हैं, झोपड़ी की जगह महल खड़े हैं। उनकी श्रीमती जी आई, सुशीला जी, आरती करके अंदर ले गई। उसके बाद महात्मा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को 9 योगेश्वरों का कथा प्रसंग सुना के राजा परीक्षित को सावधान किया, राजन उठो, गुरु का पूजन, भागवत का पूजन करो, कोई डर कोई भय। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं और कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। और यही महापुरुषों से सुना है, यही ज्ञान ही आत्मज्ञान कहलाता है। शरीर मरेगा पर हम नहीं मरेंगे। और यही बोध राजा परीक्षित को महात्मा सुखदेव मुनि ने कराया, राजन शरीर की मृत्यु होगी पर आत्मा तो अजर और अमर है। गुरु ने विदाई ली और उस समय राजा परीक्षित परमात्मा के ध्यान में बैठे। तक्षक नाग फूल में कीड़े के रूप में बैठ के आया, राजा परीक्षित को डसना चाहा, पर उससे पहले राजा परीक्षित की आत्मा विमान में बैठ के और भगवान के धाम को गई। आकाश से फूलों की वर्षा जैसे तारकी बनी हुई। परीक्षित जी महाराज की जय। तक्षक ने राजा परीक्षित के शरीर को डसा, शरीर जल के राख का ढेर हुआ पर आत्मा भगवान के धाम को पहुंच चुकी। अब इसी के साथ आज सप्तम दिवस की कथा का मंगल में विश्राम करने जा रहे हैं। वैसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही पर समय दूसरा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद दें। व्यासपीठ, सभी जनता जनार्दन जो भी आई और हमारे यजमान देवता, हमारे बुआ कुप्पा जी आदरणीय श्री सुरेश जी मालवी एवं हमारी बुआ जी सविता बुआ जी को बहुत बहुत साधुवाद दें। इनकी माता जी बैठी हुई हैं, उनको प्रणाम कर उनको बहुत बहुत साधुवाद। इनके बेटी दामाद जो बॉम्बे से पधारे उनको साधुवाद, इनके सुपुत्र उनको साधुवाद। और जो भी इस कथा में आए, चाहे दुर्ग से बड़ी बुआ जी आई, होशंगाबाद से छोटी बुआ जी आई, चाहे हरीश चाचा हो, राजेंद्र चाचा हो, अशोक चाचा हो या मुकेश चाचा हो, सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपको एक बात बताएं, ये वो परिवार है जिनके बीच में हमारा बचपन बीता है। आप सबको साधुवाद देखें और सबसे बड़ा साधुवाद इस जनता जनार्दन को दें जो इतनी बड़ी संख्या में आके आप सबने इस आयोजन को संपन्न कराया। आप सबको साधुवाद। आपसे निवेदन व्यासपीठ करेगा, जब भी कभी ऐसे धर्म की आयोजन की आवश्यकता लगे आप बराबर संपर्क करना, हम आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़े।
कि पैसे की आस लेके नहीं चलते घर से, हमेशा निस्वार्थ भाव से खड़े, सबको साधु बात देके, कथा सुनने में सुनाने में अगर कोई हमसे 7 दिन में त्रुटि हुई हो तो आप सब क्षमा दान दें। अब सब 3 बार बोलेंगे ओम हरये नमः, हाथ जोड़ के सब बोलो ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। पुनः उसी भाव में आना और भगवान से ये प्रार्थना करके जाना, कहना प्रभु तू संसार का सब सुख छुड़ा देना, संपत्ति छुड़ा देना, पर प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, भगवान से प्रार्थना, जिनकी स्मृति में ये आयोजन हुआ, वैकुंठवासी श्री जगदीश प्रसाद जी मालवीय, उनकी आत्मा को भगवान अपने श्री चरण में स्थान प्रदान करे, और यजमान परिवार के जीवन में हमेशा ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते रहे। उन्हें भी शरण के लिए आपसे जो निवेदन किया, ये मुकलवाड़ा से हमारे नानक राम जी पटेल सचिव महोदय और ये राम कुमार जी तिवारी आप सदगुरुदेव भगवान स्वामी महाराज।